Hello friends, welcome to Green Kitchen Recipes. आज के वीडियो में हम देखेंगे ओरियो बिस्किट केक बनाने की रेसिपी और ये केक हम बनाएंगे सिर्फ तीन इंग्रेडिएंट्स यूज करते हुए, ओरियो बिस्किट, दूध और बेकिंग पाउडर। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। केक बनाने के लिए सबसे पहले हम टिन रेडी कर लेते हैं। इसके लिए हम इसे ऑयल से ग्रीस करेंगे। ग्रीस करने के बाद हमने मैदा यूज करते हुए इसे डस्ट कर लिया है और एक्सेस मैदा को हटा दिया है। ये हमारा टिन रेडी है, अब हम इसे साइड में रख देंगे। ओरियो बिस्किट केक बनाने के लिए सबसे पहले हम ओरियो बिस्किट को ग्राइंड करके फाइन पाउडर बना लेंगे। इसके लिए हमने ओरियो बिस्किट के 120 ग्राम वाले दो पैकेट्स यूज किए हैं। ये हमने इसे ग्राइंडर में डाल दिया है और इसे ग्राइंड करके फाइन पाउडर बना लेंगे। इसमें से हमने क्रीम अलग नहीं की है, क्रीम इसमें स्वीटनेस का काम करेगी और हमें एक्स्ट्रा शुगर ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हमने दो पैकेट ओरियो बिस्किट के ग्राइंडर में निकाल लिए हैं, अब हम इसे ग्राइंड करके फाइन पाउडर बना लेंगे। बिस्किट्स को ग्राइंड करके हमने फाइन पाउडर बना लिया है, अब हम इसे एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ कप दूध रूम टेम्परेचर पर और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है और इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है बेक होने के लिए, अब हम इसे टिन में ट्रांसफर कर लेंगे। इसमें ऊपर से हम 3-4 पीस ओरियो बिस्किट के क्रश करके डाल देंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसे माइक्रोवेव में बेक करेंगे 180 डिग्री पर 25 से 30 मिनट के लिए। ये हमारा केक बिल्कुल रेडी है, आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुली बेक हुआ है ये। इसे बेक होने में अराउंड 30 मिनट्स लगे। बेकिंग टाइम माइक्रोवेव टू माइक्रोवेव डिफर कर सकता है, किसी में कम टाइम लग सकता है तो किसी में ज्यादा भी लग सकता है। आप बीच में टूथपिक डालकर इसे चेक कर सकते हैं। अभी केक काफी गर्म है तो हम थोड़ी देर के लिए इसे रख देंगे ठंडा होने के लिए और फिर इसे डीमोल्ड करेंगे। केक ऑलमोस्ट ठंडा हो चुका है, अब हम इसे डीमोल्ड करेंगे। डीमोल्ड करने से पहले हम इसकी साइड्स को थोड़ा सा कोई नाइफ यूज करते हुए अलग कर लेंगे, जिससे ये इजीली डीमोल्ड हो जाएगा। ये हमारा ओरियो बिस्किट केक बिल्कुल रेडी है, मैं आपको इसका स्लाइस काट कर भी दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है ये। ओरियो बिस्किट केक को टेस्ट करके हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही आगे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हम जल्द ही लौटेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।